हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल। दोस्तों, दिवाली पर कौन खास नहीं दिखना चाहता। इसके लिए खास तौर से महिलाएं स्पेशल साड़ी ज्वेलरी खरीदने के साथ साथ पार्लर भी अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए काफी पैसे खर्च करती हैं। लेकिन पार्लर जाकर मेकअप कराने का समय कम ही महिलाओं के पास होता है, तो क्यों ना इस बार घर पर ही आप फेस्टिवल मेकअप ट्राई करें, जो आपको ऐसा लुक देगा कि आप छा जाएंगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फेस्टिवल मेकअप टिप्स के बारे में। नंबर 1, मेकअप प्राइमर। दोस्तों, मेकअप के बावजूद स्किन को ग्लोइंग दिखाना है तो प्राइमर जरूर लगाएं। इससे फाउंडेशन लगाने के बाद भी स्किन पर ग्लो बरकरार रहेगा, साथ ही ये आपके पोर्स और स्किन को डैमेज भी नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, प्राइमर रिंकल्स फाइन लाइंस जैसी समस्याओं को छूमंतर करने में आपकी हेल्प भी करेगा। नंबर 2, फाउंडेशन। दोस्तों, मार्केट में कई तरह के फाउंडेशन उपलब्ध होते हैं जो स्किन को अलग अलग फिनिश देने का काम करते हैं। फेस्टिवल लुक के लिए आप इल्यूमिनेटर फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। दरअसल इस तरह के फाउंडेशन में शिमर ऐड होता है, जिससे स्किन पर लाइट पड़ते ही आपकी स्किन ग्लोइंग दिखने लगती है। एंड इसका यूज करने के बाद आपको हाइलाइटर ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 3, बोल्ड पाउट। दोस्तों, आजकल वैसे तो लिपस्टिक के न्यूड शेड चलते हैं, लेकिन फेस्टिवल पर तो बोल्ड कलर ही परफेक्ट लगते हैं। रेड, हॉट पिंक, मेहरून जैसे कलर आपके पाउट के लुक को और बेहतर बनाने के साथ साथ आपके ओवरऑल मेकअप को परफेक्ट बना देते हैं। नंबर 4, बोल्ड आई मेकअप। दोस्तों, दिवाली के लिए मेकअप करते हुए बोल्ड आई मेकअप को करते समय आप कतराए नहीं, क्योंकि फेस्टिवल पर ऐसे मेकअप अच्छे लगते हैं। काजल, आईलाइनर और आई शेडो यूज करें और अपनी आँखों को और खूबसूरत बना लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।